नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का एचआरआई न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो के माध्यम से। सभी बड़ी खबरें हैं आप लोगों के लिए, ये खबरें जानना जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया आप तक ये खबरें नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की हर नीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन के विरोध में आए हैं किसान संगठन। 8 मई को पंजाब में खुलवाएंगे सभी बाजार। आप लोगों को बताते चले, किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बढ़ सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले, पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आम जन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही पूरी तरीके से काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भारी संख्या में भीड़ जुटेगी। किसान दिल्ली कूच करेंगे, कुछ बड़ा करने की तैयारी में लगातार यहां पर है किसान संगठन। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार को ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाई है फटकार, कहा आलोचना करो तो बुरा मान जाते हो। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के झूठे भारत के विकास की तस्वीर अब दुनिया भर के देशों के सामने आ चुकी है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो रही है। भारत में अब कोरोना वैक्सीन की कमी के साथ साथ अन्य मेडिकल सुविधाओं की किल्लत ने उजागर कर दिया है कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद सरकार ने इससे लड़ने के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने की जगह देश की सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त थी। इस मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसी कड़ी में अब ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने भी भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत में नेताओं को ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल चीजों की चिंता नहीं है, इसकी जगह वह अपनी आलोचना और छवि की चिंता कर रहे हैं। तो वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच के दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा है कि भारत सरकार की विफलताओं के बारे में जब भी आलोचना की जाती है तो सरकार इस पर नाराजगी जाहिर कर देती है। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को कोरोना महासंकट से बचने के लिए सुझाव देने की कोशिश की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। देख सकते हैं कि मोदी सरकार को ह्यूमन राइट्स वॉच ने लगाई है फटकार और कहा है कि आलोचना करो तो बुरा मान जाती है ये सरकार और लगातार केंद्र सरकार की पूरी दुनिया में हो रही है फजीहत। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। पत्रकार की फोटो लगा करके बोली है बीजेपी, टीएमसी के गुंडों ने मार दिया। खुद पत्रकार बोला मैं जिंदा हूं और बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं। बीजेपी आईटी सेल की हुई है भारी फजीहत, लगातार यहां पर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में हिंसा की खबरें लगातार सामने निकल के आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जीत की घोषणा होते ही उस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगने लग रहे हैं, लेकिन इनमें से कई आरोप यहां पर फर्जी खबर साबित हो रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी का दावा है कि भाजपा अपने पश्चिम बंगाल के फेसबुक पेज पर उनकी तस्वीर लगा करके लगातार फर्जी खबर फैला रही है। पोस्ट में उनका नाम माणिक मोइत्रो बता करके लिखा गया है कि वो बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हो गए हैं। तो वहीं इंडिया टुडे के पत्रकार बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा मैं अभ्रो बनर्जी हूं, जिंदा हूं और यहां पर स्वस्थ हूं। बीजेपी आईटी सेल लगातार यहां पर फर्जी खबरें फैला रहा है सोशल मीडिया पर और दंगे भड़काने की कोशिश लगातार जारी है भाजपा की तरफ से, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल के नतीजे घोषित हुए हैं तब से पूरी भाजपा यहां पर बौखला चुकी है, नतीजों को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है बीजेपी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक को बेचेगी मोदी सरकार, लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। आरजेडी बोली इनका मकसद कोरोना मिटाना नहीं है, देश की संपत्ति बेचना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अब आईडीबीआई बैंक भी सरकारी नहीं रहेगा, केंद्र की मोदी सरकार ने इसको बेचने का फैसला कर लिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब 5 साल के बाद पहली बार ये बैंक मुनाफे में आई है।
आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94% से भी ज्यादा है। जब से आईडीबीआई बैंक को बेचे जाने की खबर आई है, तब से ही तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि पहले तो सरकार किसी भी सार्वजनिक संस्थान को बेचे जाने के मुद्दे पर उसके घाटे में होने का तर्क देती थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब इस बैंक ने 5 सालों के बाद यहां पर मुनाफा दिया है, फिर इसे बेचने की आखिर क्या जरूरत आ पड़ी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आईडीबीआई बैंक को बेचे जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि आईडीबीआई बैंक ने 5 साल के बाद इस बार मुनाफा दिया तो मोदी सरकार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कोरोना संकट के बीच मरते हुए देशवासियों को बचाने के बजाय मोदी जी ने बैंक बेचने का फैसला कर लिया है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार का मकसद देश से कोरोना मिटाना नहीं है बल्कि सरकारी संपत्ति को बेचना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की यूपी इकाई ने ट्वीट किया है कि मोदी से डर नहीं लगता साहेब, उसकी कैबिनेट मीटिंग से लगता है, क्योंकि जब भी मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग होती है देश में कुछ ना कुछ बिक ही जाता है। देख सकते हैं कि लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ती ही जा रही है केंद्र सरकार। अगर आप लोग भी दोस्तों खुल करके इस देश में मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा निजीकरण का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता सकते हैं इस खबर पर। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, पूर्व आईएएस बोले ये गिद्ध सबों को भी नोच खाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, पिछले दिनों देश की जनता पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं होती थी। इस बीच पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि चुनावों की घोषणा होते ही पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि अचानक से रुक सी गई। एक बार फिर जब 5 ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे भी घोषित हो गए, फिर से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में मूल्य वृद्धि शुरू हो चुकी है। लगातार यहां पर पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना की मार से कराह रहे लोगों के जख्मों पर सरकार कोई मरहम तो नहीं लगा पा रही है, अलबत्ता उस पर नमक छिड़कने का काम जरूर कर रही है। जब सरकार को अपने वोट प्रभावित होने का खतरा दिखाई दे रहा है, यानी कि जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो मूल्य वृद्धि रुक जा रही है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ने लग रही है। देश के कई हिस्सों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों की आमदनी पूरी तरीके से बंद है, साधारण व्यक्ति जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है, एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त उपवास रखता है। ऐसे में जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे एक बार फिर से महंगाई बढ़ेगी और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि चुनाव खत्म और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ये वो गिद्ध है जो सबों को भी नोच खाएंगे। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी से सवाल, नई संसद पर हजारों करोड़ खर्च, वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं है पैसे। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की कमान तीसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की कोविड नीति पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना पर केंद्र के द्वारा कोई भी पारदर्शी नीति नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने उनसे निपुण नीति बनाने का अनुरोध किया है। वहीं इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर के लगातार कोरोना फैलाया है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर के उन्होंने कहा है कि राज्य को अभी तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पाई है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि बीजेपी के नेता राज्य में घूम रहे हैं, यहाँ की जनता को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नई सरकार के 24 घंटे भी नहीं हुए और वे पत्र पर पत्र भेज रहे हैं, टीम और नेता आ रहे हैं। ममता ने कहा है कि वे वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं उनसे लोगों के जनादेश को स्वीकार करने का अनुरोध करती हूँ, ये यहाँ पर कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर जताई है चिंता, केंद्र से पूछा हालात बिगड़े तो क्या है आने वाले वक्त में प्लान। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हालात यहां पर काफी खराब है। देश में 4 लाख से भी ज्यादा लगातार यहां पर मामले सामने निकल के आ रहे हैं। इस बीच देश में ऑक्सीजन संकट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर अभी से तैयारी करेंगे तभी कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे। आप लोगों को आगे बताते चलें,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा हो सकता है, ऐसे में बच्चों की वैक्सीनेशन पर भी सरकार ज्यादा ध्यान दे। कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो माँ बाप आखिर क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर में मेडिकल स्टाफ भी थक चुका होगा, तब क्या करेंगे हम लोग। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि माँ बाप खुद अस्पताल में रहेंगे या फिर नहीं, बच्चों की देखभाल कैसे और कौन करेगा, इसके लिए हम आखिर कितने तैयार हैं, ये यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं HRI न्यूज के माध्यम से। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा।